क्या हो गया? यू हैड एन एक्सीडेंट? सर वो जो बिल्डिंग देख रहे हो आप सामने, उसके थर्ड फ्लोर से मैं कूद गया। व्हाई? क्योंकि वहां मेरी सेटिंग रहती है। मैंने उसे शादी के लिए पूछा, उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ और वो बोलती है कि एक इंजीनियर को जॉब कभी नहीं मिलती, और उसको हासिल करने के लिए मैं पहले ये जॉब इंटरव्यू में आया हूँ। आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली पुअर है, कोई खास वजह? सेटिंग, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। फर्स्ट ईयर में बड़ी मुश्किल से एक सेटिंग बनाई थी, फिर पूरे 4 साल उस सेटिंग पर इतना ध्यान दिया कि मार्क्स पर कभी ध्यान ही नहीं गया। आज 4 साल के बाद ना मार्क्स है, ना सेटिंग है, ना जॉब है। देखिए, आपका इतना फ्रैंक बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हमें एक डिप्लोमेटिक आदमी की जरूरत है। आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट अगर आप हमें भरोसा दिलाएं कि आप अपने इस एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ हो सकता है। दोनों डांगे तुराकर इस जॉब इंटरव्यू में आया हूँ अपनी सेटिंग को इम्प्रेस करने के लिए। आप दोनों को बड़ा भाई समझ कर दिल की बातें सामने रख दी। सेटिंग भी यही बोलती थी, तुझमें बहुत एटीट्यूड आ गया रे। काय के एटीट्यूड सर, 10 रुपए की पर्क वाली चॉकलेट ले जाता था उसके लिए, 8 रुपए घर से मिलते थे। 2 रुपए कमाने के लिए रेलवे स्टेशन पर कटोरा लेकर घंटों भर बैठा करता था। उसी घंटों भर बैठने से अगर मुझमें एटीट्यूड आ गया तो हाँ सर, मुझमें एटीट्यूड आ गया। आप अपनी नौकरी अपने पास रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड अपने पास रख लेता हूँ। सॉरी सर, डोंट माइंड। अब मैं कॉल सेंटर की जॉब करके ही अपनी सेटिंग को हासिल करूंगा। रुको, 25 साल से मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। जॉब पाने के लिए लोग हमारे हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं। तुम कहाँ से आए हो यार? जी सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। थैंक यू सर, जितना आप दोनों लेते हो उसे 10,000 बढ़कर।